हम लोगों ने पूरे प्रदेश की मैपिंग कर रखी है, इससे आपके जो जिला है रायबरेली इसकी भी मैपिंग हमारे पास है। सारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कितनी हमारी कृषि भूमि है, कितनी बंजर है, कितने बसाव है, कितना हमारा जो जंगल है, कितने वन है, कितना बाघ है, वो सारी डिटेल है हम लोगों के पास। अब हम लोग डेवलपमेंट के लिए पहुँच रहे हैं पंचायत स्तर पर, तो पंचायत स्तर पर हमारे पास पंचायतों में क्या क्या चीज़ है, जब तक हम उन संसाधनों को सही जानकारी नहीं होगी हमारे पास, तब तक हम पंचायत का सशक्तिकरण नहीं कर सकते। तो उसका आधार हम लोगों ने बनाया मोबाइल, और क्योंकि मोबाइल सबकी पहुंच में है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग तक मोबाइल चला रहा है, तो इसलिए ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसरो ने जो है एक मोबाइल ऐप डेवलप किया, जिसको हम भूम पंचायत कह रहे हैं, जो आप लोगों को मोबाइल को दिया गया, मोबाइल में दान दिया गया है। अब इसके माध्यम से हमें करनी है जियो टैगिंग या जो कह लीजिए परिसंपत्तियों की मैपिंग। परिसंपत्तियाँ हमारे गांव में जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, अपनी संपत्ति जो भी है उसकी फोटो खींच के हमें उसके अपलोड करनी है, और उसकी डिटेल के साथ, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने कमरे हैं, क्या क्या चीज़ है, सारी जो इन्फॉर्मेशन जो फिल करके और हमें अपलोड कर दें। अब होगा क्या, जब गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो उस विद्यालय को कैसे करना, क्या टीचर करवा सकते हैं।